और मतलब हाँ कंफ्यूजिंग भी है काफ़ी ज़्यादा ट्रेलर। अगर मेरे को तो ऐसा लगा कि मतलब स्पॉइल, जैसे अगर आप देखने, मैंने तो मतलब बहुत डिटेल में जाके ब्रेकडाउन किया, मैंने तो अपने अपने हाँ वीडियो में लोगों को कंफ्यूज और कर दिया। मैंने कहा लो भाई कोई तुमको स्पॉइल होना नहीं, कल था। तुमको सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे ऑन BNFTV। वही ठीक ना, सुनो बता। एक्चुअल मैं स्टोरी मोटी मोटा निकाल ली, ठीक ना, सब डॉट्स लिख के उन्हें कनेक्ट कर लिया, क्या है? फिर मैं वीडियो में बता भी दिया। फिर अभी बता, अभी ठीक है, उनके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जब मैं कैरेक्टर्स पे ध्यान दे रहा हूँ, वो डॉट्स नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ये लुक कहाँ पे बैठ रहा है, वो गंजा, फिर मास्क, फिर बाद में वो दाढ़ी के साथ आ रहा है पकी हुई सिगार लेकर, फिर उसके पहले मूछ वाला, कौन कहाँ पे बैठ रहा है, वो मामला वहां पे फंस रहा है। कि लाइफ के कितने स्टेजेस पे आप दिखा रहे हो उनको, तो वो देखना काफी अच्छा रहेगा कि क्या स्ट्रक्चर देते हैं। अगर दो ही कैरेक्टर्स हैं तब भी क्या स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि कई सारे लुक हैं और हर हर लुक आपका हर एक क्या टाइम फ्रेम को दिखाता है कि इस टाइम फ्रेम में वो ऐसा था। जैसे वो स्टार्टिंग भी होती है ट्रेलर की, जब तो मेरे को दो चीज़ें स्ट्राइक हुई कि इस ट्रेलर से मतलब SRK ने अपनी दो लाइफ वाली चीज़ों को बताने की कोशिश करी। एक तो वो कि एक राजा था जो कई सारी जंग हारता चला गया, तो वो एक के बाद एक वो मूवी भी फ्लॉप हुई ना पुरानी उनकी, तो वो वाली चीज़ें भी वो। ओ, और वो हाँ बेटे को हाथ लगाने से बाप हाँ से, हाँ ओ हाँ ओके, ओ फक, तो हाँ वो फक। दो दो उसने पता मेरे को, मैंने उस पे ज्यादा सोचा नहीं था, फिर एक्चुअली किसी ने ट्विटर पे मीम डाला, ओ भाई, ओ ये बात थी इसमें। हाँ। ओ भाई मैं वो तो रेफरेंस मतलब तो कैच का नहीं किया, बट मेरे को वो क्लिक हो गया। वो बोलता है ना, क्या चाहिए तेरे को, आलिया भट्ट। और फिर मेरे को लगा कि डियर जिंदगी आई थी, उसमें आलिया भट्ट को ये चाहिए थे, इन्होंने मना कर दिया था, तो मैंने अच्छा थोड़ा अच्छा अच्छा भाईजान वाला ट्विस्ट लगाया कि आलिया इनके पीछे और ये आलिया के पीछे। टू मच भाई, ओ अच्छा भाईजान थिंग। सही है। और मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी, जैसे उन लोगों ने क्या है वो बेल्ट वाला जो सीन था वो लीक हो गया था ना, तो वो इन्होंने इधर ही हाँ, डाल लिया डाल दिया। कि मतलब उठाओ और इधर हाँ, प्लेस कर दो, और मतलब बेटर और उसके उतना ही साथ। डाला है, हाँ और उतना ही, उतना वही ही वही डाला शॉट है वो है। बेसिकली, वही बेटर है। बेटर कलर ग्रेडिंग और बेटर उसके साथ में 4K HDR में डाल दिया उन्होंने, और भाई यार निकल लो मजा देख ही आया। लो अच्छे से, तो अच्छा दिख रहा है वो। और मतलब ओवरऑल ट्रेलर मतलब मेरे को तो एक्साइटमेंट बिल्ड हो गया मेरा तो। नहीं वही बात है, ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक्साइटमेंट हुआ कि हाँ भाई, कि चलो सब्सटेंस तो है इनके पास ऑलरेडी, लेकिन स्टाइल जो दिया है वो शाहरुख खान के ही साथ मुमकिन है आपका, और किसी भी एक्टर के साथ आप ये नहीं कर सकते थे। वो स्टाइल तो मूवी की जो कलर ग्रेडिंग है ना उसने मेरे को बहुत इम्प्रेस किया, कि मतलब वाह, जो डार्क शॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब थिएटर में वो ऐसा ना हो जाए कि एकदम अंधेरा दिखने लगे, तो वो वो बहुत कह रहे क्या इम्पोर्टेंट है। मालिक, अभी लेंस साफ नहीं किया है हमने क्या पिछले नहीं 6 तो महीने जाके अपन से। बोल रहे हैं कि साहब ब्राइटनेस बढ़ा दो, बोले साहब ब्राइटनेस तो इतनी ही आई है पिक्चर वालों की तरफ, साहब तू अपनी तरफ से बढ़ा दे भाई। वो बेचारा रील के जमाने का इंसान बैठा, वो बस बटन दबाना बंद करना आता हाँ उसको। सही। ये तो बहुत बार हो जाता है ऐसे, ऐसे कई बार हो चुका है कई मूवीज में कि वो ब्राइटनेस लो हो जाती है फिर दिखता नहीं है, तो मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ, ये मतलब। फिर ब्राइटनेस हाँ लो वाला सीन तो मेरे साथ का ऐसा कहीं हुआ नहीं, बट उसको मेरे छोड़ के साथ बाकी बहुत बार सारे हुआ कांड है। हो गए, ठीक है। मेरे साथ हुँ। भी, मेरे में क्या हुआ था, गंगूबाई काठियावाड़ी देखने गया था, ब्राइटनेस इतना ऊपर, क्योंकि सफेद साड़ी उड़ी वाला सीन था, हाँ अबे आलिया भट्ट भगवान हो गई थी थिएटर आलिया भट्ट वो हो में। गया, आधे वो आधे आदिपुरुष दूल्हा वाला जीसस शॉट हो गया वाला था क्या, वो भगवान हो गया। जीसस वाला जीसस, अबे मैं बता रहा हूँ, वो भगवान हो गई थी आलिया भट्ट, जो इतना ब्राइट भाई यार, मुझको मन किया अपने सनग्लासेस लाके मुझे उसको देखने प्रोजेक्टर वाले को जाके पूछते, चाहिए करण जौहर ने कुछ ऊपर से दिया है क्या। थे। अरे भाई यार, जो लास्ट में जब वो नहीं ऐसे हाथ जोड़ रही होती है वो बालकनी पे, वो देख के वो कुटी वाली ऐसे, मैं भाई यार मैं झेल नहीं पाया वहां पे।